हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंजना। कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर मीशो हॉल, जिसमें मैं आप लोगों से मीशो की कुछ अफोर्डेबल और ब्यूटीफुल साड़ी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, शादी वगैरह सब पूरा सीजन अब दिसंबर जनवरी तक चलता रहेगा, तो इसमें मैं आप लोगों को फेस्टिव की कुछ या पार्टी वेयर साड़ियों का कलेक्शन आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आप मीशो से परचेस कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं जो कंटेंट बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ ब्यूटी और फैशन हॉल पे। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है या साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, बात करते हैं फर्स्ट साड़ी की। फर्स्ट साड़ी जो मैंने मीशो से परचेज करी वो एक इंडिगो पैटर्न में है। जो इंडिगो जो कलर होता है या इंडिगो साड़ियाँ जो होती है वो काफ़ी ट्रेंडी होती है और हमेशा ही ट्रेंड्स में रहती है। कभी ऐसा नहीं है कि साड़ियाँ आउट ऑफ ट्रेंड कभी भी नहीं होती, तो हमेशा ट्रेंडी रहती हैं। और आप इसको फेस्टिव वे या सिंपल ओकेजन पे या ऑफिस वेयर है, मतलब आप इसको ना हर जगह कैरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस वेयर चलेगी, पार्टी वेयर नहीं चलेगी। आप इसको अच्छे से ज्वेलरी के साथ पार्टी वेयर भी कैरी कर सकते हैं, आप इसे ऑफिस वेयर भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप स्कूल में टीचर्स हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट साड़ी है। तो मतलब हर तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं। तो ये साड़ियाँ ना आपके वार्डरोब में हमेशा होनी चाहिए। तो मैंने भी इसे रिसेंटली परचेज करा है। उसका प्राइस भी काफ़ी कम है, 650 या 700 में आपको मीशो पे इतनी अच्छी क्वालिटी की जो साड़ियाँ ना ये मिल जाती है। इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन, और जैसे कहते हैं ना मुलमुल कॉटन, तो वो वाला कॉटन, एकदम एक खड़ा खड़ा वाला कॉटन नहीं है। तो मुलमुल कॉटन जो होता है ना वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसमें मैंने ये साड़ी परचेज करी है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिली है। तो आप भी इसे परचेज करते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो इसका जो कोड होगा वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बात करते हैं साड़ी की, तो ना आपको पूरी साड़ी ओवरऑल कुछ इस तरीके की मिलेगी। यहाँ पे ऊपर और नीचे आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ऐसा। ऊपर और नीचे के साइड पे आपको ये वाला सेम बॉर्डर मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे ना, नीचे आपको इसमें इस तरीके का ये डिज़ाइन आपको वाइट कलर में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन है। आपको इंडिगो में ना बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे। मैंने जो पैटर्न परचेज किया वो इस तरीके का आपको इस पर पूरा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको इसमें डिज़ाइन मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न ना आपको पूरी साड़ी में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसे आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ तो अंदर से भी आपको इसके साथ कुछ ऐसा ही पैटर्न पूरा देखने को मिलेगा। ओवरऑल आप देख सकते हैं ये साड़ी पूरे इस तरीके का पैटर्न नज़र आएगा। काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत सारे प्रिंट्स अवेलेबल हैं, आपको जो प्रिंट लेना आप अपनी चॉइस के हिसाब से लेते हैं। मुझे ये वाला प्रिंट ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसमें ब्लू भी दिख रहा है और वाइट भी दिख रहा है। नहीं तो कोई कोई पैटर्न कैसा है ज़्यादा वाइट दिख रहा है तो वो उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये वाला पैटर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने इसको परचेज करा। अब बात करते हैं इसके साथ पल्लू की, तो पल्लू आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है। देख सकते हैं आप पल्लू ना, इसके साथ कितना प्यारा डिज़ाइन इसका दिया हुआ है। इस तरीके से आपको पूरा लाइनिंग वाले पैटर्न में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आपको इसमें ये वाला पल्लू में आपको दिख जाएगा। आपको इसके साथ ब्लाउज भी मिलता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसा नहीं है, साड़ी ना काफ़ी लंबी चौड़ी है। अगर आपकी हाइट, मेरी हाइट है 5'2", तो आप देख सकते हैं मेरे पे कितना आ रहा है। अगर आप लंबे भी है ना तो भी आप पे ये साड़ी अच्छे से फिट हो जाती है। इसका जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ब्लाउज़ भी आपको ना सेम इसी में ये वाला पैटर्न आपको ब्लाउज़ का भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल मतलब जो साड़ी है थोड़ा ब्लाउज़ का पैटर्न कुछ कुछ हद तक सेम आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी प्यारी साड़ी है, तो इस तरीके की साड़ियाँ आप कैरी कर सकते हैं काफ़ी इजीली, अच्छे से प्लेट्स बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने इसको अभी वाइट क्रॉप टॉप के साथ कैरी किया है, तो आप चाहे तो उसके साथ कैसा भी डिज़ाइनर ब्लाउज सिलवा सकते हैं। स्लीवलेस पसंद हो, स्लीव मैगा स्लीव्स पसंद हो, जैसा आपको स्टाइल कर सकते हैं। इसको मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ कैरी किया क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जो कॉटन की साड़ियाँ होती है ना वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो भी आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाती है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस साड़ी का जो कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो गाइस, आप बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी जो मैंने परचेज़ करी वो इस तरीके की है। ये भी ना कॉटन में ही मैंने परचेज़ करी, बट इसका कॉटन और जो उसका कॉटन था उसमें थोड़ा डिफरेंस है। वो मुरमुल कॉटन था तो वो सॉफ्ट वाला कॉटन था। ये वाला कॉटन है, ये भी सॉफ्ट है बट उसके कंपेयर में थोड़ा सा अलग है। क्योंकि मैंने कहा मैं बता देती हूँ, अगर पता चल रहा है ये भी आप मुरमुल कॉटन समझ के खरीदे तो फिर आपको लगेगा कि रिव्यू कैसा था और ये रियल में साड़ी कैसे मिली। तो ये मुरमुल कॉटन तो नहीं है, बट ये ना काफ़ी सॉफ्ट वाला कॉटन तो ये भी लग रहा है, बिल्कुल ऐसा खड़ा वाला तो ये भी नहीं है, बट उसके कंपेयर में थोड़ा हल्का सॉफ्ट है। बट
मतलब प्लीट्स लगाने में तो अच्छे से लग जाती है, और इसका जो प्राइस है वो 550 या 500 समथिंग ये मुझे मिल गया मीशो पे, तो काफ़ी अच्छी साड़ी है। तो ये भी कॉटन में ही मैंने परचेज़ करी है। तो कुछ इस तरीके की ये आपको ब्लैक में और इस तरीके की फ्लोरल प्रिंट जो इस पर भरे हुए हैं, इस तरीके की आपको साड़ी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा प्यारी। पहनने के बाद ना बहुत ज़्यादा ऑसम लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसको आप ना किसी भी ब्लाउज के साथ कैरी कर सकते हैं, पिंक ब्लाउज हो गया, व्हाइट ब्लाउज हो गया, ब्लैक ब्लाउज हो गया, तो आप इस तरीके की किसी भी ब्लाउज के साथ इसे कैरी कर सकते हैं। फ्रंट से आपको ना ऊपर इस तरीके का पिंक कलर का बॉर्डर मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ना आप जरी वाला, जो सिल्वर कलर का जरी वाला वर्क इस टाइप का यहाँ पे दे, हल्का सा शाइनिंग वाला पैटर्न मिल जाता है। नीचे भी आपको इसी तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे हल्का हल्का सिल्वर कलर का आपको शाइन वाला पैटर्न मिल जाएगा। तो ये वाला मुझे ना इस साड़ी में बहुत अच्छा लग रहा है कि एक पार्टी वेयर लुक भी देखने को मिल जाता है इस साड़ी में आपको। तो ओवरऑल पूरी साड़ी अगर अंदर से भी मैं बात करूँ ना, तो अंदर से भी आपको पूरा ओवरऑल ये फ्लोरल प्रिंट ही मिलने वाला है। बट आपको इसमें जो पल्लू है ना, पल्लू मैं आपको दिखाती हूँ, इसका जो पल्लू है साड़ी का आपको कुछ इस तरीके का ये टैसल वाला मिल जाता है, यहाँ से इस तरीके का आपको ये टैसल वाला पल्लू मिल जाता है। आपको देखो इसमें अलग अलग कलर का व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, तो कुछ इसी कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे इसके पल्लू में जो टैसल मिल जाता है, कॉटन की साड़ी में टैसल मिल जाता है ना, तो काफ़ी अच्छा लुक, मतलब एक अच्छा अलग सा लुक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा साड़ी में। ओवरऑल पूरी साड़ी आपको कुछ इसी तरीके की फ्लोरल प्रिंट में मिल जाएगी। पहनने के बाद ना ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसको जब मैंने कैरी किया, इसको मैंने ना, आप इसको चाहे तो पिंक ब्लाउज के साथ कैरी कर सकते हैं, वाइट के साथ भी ये चल जाएगा क्योंकि इसमें वाइट इस तरीके के फ्लावर्स है। तो मैंने इसे पिंक ब्लाउज के साथ कैरी किया, तो पिंक मेरे पास था स्लीवलेस, तो काफ़ी साड़ियों से चल जाता है, तो मैंने उसी को इसके साथ कैरी किया, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका जो रियल ब्लाउज है ना वो आपको पिंक कलर में इस टाइप में मिल जाएगा, वो मैंने अभी स्टिच कराने दिया इसलिए मैं अभी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बट आपको इसके साथ भी ब्लाउज मिलता है काफ़ी अच्छा, 80 सेंटीमीटर का मिल जाएगा, तो आप इसको ईजिली सिलवा सकते हैं जैसा आप चाहें। और साड़ी आपको पूरी फुल लेंथ की साड़ी आपको मिल जाती है, अगर आपकी हाइट मेरे से ज़्यादा है तो भी आपको फुल लेंथ में साड़ी मिल जाती है, बिल्कुल भी छोटी नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं इस तरीके से। साड़ी का जो फैब्रिक है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो अंदर से आपको कुछ इस तरीके का ये मिल जाता है। तो आप इसके साथ पेटीकोट कैरी करके आप इसको डिज़ाइनर, मतलब जिस वे में आप इसको ले सकते हैं आप उस तरीके से ले सकते हैं, इसको बेल्ट के साथ भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके की साड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ट्रेंड में भी रहती है, फ्लोरल प्रिंट तो आजकल वैसे भी ट्रेंड है। आपको सिल्क की साड़ियाँ देख लो या इस टाइप की साड़ी में आपको ये वाला डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है। तो इसका जो कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं लास्ट साड़ी की जो मैं शेयर करने वाली हूँ, ये बिल्कुल पार्टी वेयर है। इससे पहले जो मैंने दो आपसे शेयर करी वो कॉटन पैटर्न में थी, पार्टी वेयर भी अगर आप उसे कैरी करना चाहें अलग से स्टाइलिश लुक देकर आप उसे कैरी कर सकते हैं, बट जो ये साड़ी में लोगों को दिखाने वाली है तो बिल्कुल पार्टी वियर है। आप इसे किसी भी, अब शादी फंक्शन जो शुरू हो ही चुके हैं तो आप उसको, इस साड़ी को किसी भी फंक्शंस वगैरह में कैरी कर सकते हैं, कॉकटेल में पहन लीजिए, मेन शादी में पहन लीजिए, तो इस तरीके की साड़ी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मीशो पर मिल जाती है। ये 700-800 समथिंग थी, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसे एक दो महीने पहले मंगाई थी। तो मैं आपको इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये एक सिल्क ब्लेंड साड़ी आपको मिल जाती है, बट ये सिल्क वाला जो पैटर्न है ना ये सॉफ्ट वाला सिल्क है, हैवी या थिक वाला आप साड़ी आपको नहीं है, ये सॉफ्ट है, पतली है, ईजिली लग जाती है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें जो कलर मैंने परचेज़ किया वो कुछ इस तरीके का ग्रीन कलर आप देख सकते हैं, और यहाँ आपको गोल्डन के छोटे छोटे ये डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है। इसमें ना आपको यहाँ पे नीचे कुछ इस तरीके का और रेड कलर का बॉर्डर मिल जाता है, तो और इसके साथ जो आपको ब्लाउज भी मिलेगा ना वो भी रेड कलर का ही होगा, तो कुछ इस तरीके का आपको ये पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं आप ये ना ओवरऑल कुछ साड़ी ना इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा, देख सकते हैं ग्रीन जो इसका कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, और पूरी साड़ी में आपको यही वाला चंदेरी वाला फैब्रिक मिल जाएगा। अंदर से जो साड़ी की बात करूँ तो अंदर से भी सॉफ्ट वाला है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपका थ्रेड निकल जाए, या सॉफ्ट पैटर्न में आपको देखने को मिलेगी ये साड़ी। तो ओवरऑल पूरी साड़ी इस तरीके से है, बॉर्डर आप देख सकते हैं ऊपर जो वेस्ट पे बॉर्डर आएगा वो कुछ इस तरीके का है, और नीचे अगर मैं बात करूँ बॉर्डर की तो आपको ये रेड कलर का बॉर्डर मिल जाएगा। तो जो ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप इसे किसी भी फेस्टिव वियर में पहन सकते हैं, किसी की शादी फंक्शन में डेफिनेटली आप इसे कैरी कर सकते हैं, और जो ना हैवी साड़ी प्रेफर नहीं करते तो वो इस साड़ी को डेफिनेटली परचेज कर लेना, काफ़ी लाइट वेट है, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। अब बात करूँ इसके पल्लू की ना, पल्लू आपको कुछ इस तरीके का रेड कलर में मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा पल्लू है, लाइनिंग वाले पैटर्न में आपको ये पल्लू इस तरीके से मिल जाता है, पूरा लाइनिंग है, चंदेरी वाला डिज़ाइन तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो ये तो हो गया इसका पल्लू। अब बात करते हैं इसके ब्लाउज़ की, ब्लाउज़ आपको सबसे एंड में जाके यहाँ
तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज मिल जाता है। और यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे इसका ये बॉर्डर भी देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा बॉर्डर है, पैटर्न आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको इस तरीके का ये ब्लाउज मिल जाएगा। पूरी साड़ी भी आपको ओवरऑल इस डिज़ाइन में मिल जाती है, तो इसको अंडर 700-800 के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्यारी आपको साड़ी में कलर्स अवेलेबल है। मीशो पे आपको 700-800 आपको ये प्राइस में साड़ी मिल जाती है, तो आप डेफिनेटली इसको भी परचेज कर सकते हैं। सिल्क की साड़ियाँ हैं, पार्टी वेयर, बिल्कुल पार्टी वेयर, फेस्टिव वेयर लुक आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की साड़ी में दिवाली भी आएगी तो दिवाली में भी आप इस तरीके की साड़ी कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। इसको आप वाइट पर्ल वाली जो ज्वेलरीज होती है ना उनके साथ कैरी कर सकते हैं, जो गोल्ड वाली ज्वेलरी होती है वो तो इसके साथ जाएगी ही जाएगी, तो बाकी आप मिक्स मैच करके कोई भी ज्वेलरी के साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लगने वाली है। तो इस साड़ी को भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सो गाइस, कैसे लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो फ्रेंड एंड फैमिली में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मैं भूलेगा कौन सी साड़ी आपको पसंद आई। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाऊंगी, तो मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मैं भूलेगा। तो बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।